सुनना है और आप मुझे सच बताएंगे। आपको मेरी कसम, शिजा सच कह रही है कि वो मेरे पापा थे। आपसे कुछ पूछ रही हूं, क्या वो मेरे बाबा थे? हमें जवाब दे। हाँ, तुम्हारा बाप था वो। आप जानती हैं मैं सालों से तरस रही हूं उनसे मिलने के लिए। आपने फिर भी मुझे नहीं बताया, मुझे उनसे नहीं मिलवाया। क्यों अम्मी? सच बहुत कड़वा होता है ना बेटे। वो आदमी इस काबिल नहीं है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं। मैं जानती हूं उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ गलत किया, लेकिन मुझे उनसे मिलना था। मुझे उनसे बहुत सी बातें पूछनी थी। मुझे उनसे पूछना था कि उनको कभी मेरी याद आई या नहीं आई, मेरे बचपन की बातें कभी उनको सताती थी या नहीं सताती थी। मुझे उनसे बहुत बातें करनी थी और मुझे क्यों नहीं मिलने दिया उनसे? बेटे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरा मजीद इम्तिहान मत लो, मेरी सांसें रुक जाएंगी अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी। मैं, मेरी जिंदगी का मकसद तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इमरा, मैं नहीं खो सकती तुम्हें। मुझे उनसे मिलना है। मत करो मेरे साथ ऐसे, मत करो निम्रा ऐसे। मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब, भूल जाओ उसे। मुझे उनसे एक बार मिलना है, मुझे मिलना है उनसे। अप्पू, अम्मी मुझे कभी मेरे बाबा से मिलने नहीं देंगी। प्लीज आप मुझे एक दफा मेरे पापा से मिलवा दें। मैं दोबारा कभी कुछ नहीं कहूंगी, मुझे सिर्फ एक दफा उनको देखना चाहती हूँ, उसके बाद कभी आपसे दोबारा नहीं कहूंगी। तुम्हारे बाप को मैं पसंद नहीं करता और तुम मुझे से कह रही हो कि मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। एक बार इस घर में आकर मेरी गैर मौजूदगी में वो गलती कर चुका है। मेरा वादा है तुमसे, अगर दूसरी बार उसने ये हरकत दोहराई तो अपने पैरों पे चल के वापस तो नहीं जा सकेगा। समझ आ गई मेरी बात? जाओ यहां से। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.